बोलो अम्बे मात की जय। भक्तजनों, नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, उच्चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय और मैना देवी के घर जन्म लिया था। देवऋषि नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वह भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप की वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने हजारों साल तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर कमज़ोर हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी का तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने वरदान किया कि हे देवी, आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता है। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी और भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त हो गए। और ऐसा ही हुआ। माँ ब्रह्मचारिणी जी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी वीरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। बोलो अम्बे मात की जय।